गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो ये सुबह सुबह का ही क्लिप है, तो मैंने सोचा कि आज रक्षाबंधन की सफाई शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने आज पहला काम है मेरा रूम को एकदम धोना अच्छे अच्छे से। तो मैंने कहा कि ये नहाने के पहले ही हो सकता है, नहाने के बाद तो मैं पूरी भीग जाती हूँ, इसीलिए मैं आज पहले बर्तन कोमल ने धो दिया था। आज कोमल की छुट्टी थी क्योंकि आज मुहर्रम है, इसीलिए तो मैंने कहा कि चलिए फिर मैं रूम धो लेती हूँ, तुम बर्तन धो लो, फटाफट आज हमारा काम हो जाएगा। और रूम को कैसे भी करके आज धोना ही है, तो आप लोग तो जानते हैं कितना पानी लगता है इसमें धोने में। तो चलिए फिर फटाफट इसे धो के, और फिर मैं अभी नहाई नहीं हूँ, अभी मैंने सिर्फ जैसे रात के जो बर्तन है वो कोमल ने धो दिया था, रोटी चाय बन गया था। और यहाँ पर अभी कोमल सोनम को गोलू को उठाया गया है, सोनम तो नहा चुकी है, मैं और कोमल मिलकर यहाँ पे रूम धो रहे हैं। तो चलिए फिर धो लेते हैं, फिर मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि कितने अच्छे से क्लीन हो गया है। और आज ही पर्दा उर्दा भी धोना है मुझे, सारी चीज़ें मतलब पर्दा चद्दर जो भी हैं सारे मुझे रात में भिगाने हैं। और मैं गर्म पानी में सोच रही हूँ भिगाने का, क्योंकि गर्म पानी से भिगाने से क्या है ना कि जो भी थोड़े बहुत भी गंदगी उसमें तेल वेल का रहता है ना, कलर जैसे दाग, वो छूट जाता है गर्म पानी करने से। तो यहाँ पे सोनम चाय पी रही है और मैंने बाल्टी बाल। हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप लोग का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं बताना जरूर। तो यहाँ पे खाने की तैयारी चल रही है, यहाँ पे सोनम बर्तन धो रही है। आज ये लोग की छुट्टी है, आज है मुहर्रम, तो मैं भूल गई थी। तो यहाँ पे सब्जी मैंने छौंक दिया है, मसाले को मैंने पीस लिया था लाइट की, इसलिए मैंने मसाला आगे ऐसा है कि मुझे बहुत टाइम हो गया था, मतलब रूम धोया फिर कपड़े सारे धोए तो बहुत टाइम ज़्यादा हो गया था। मेरे को खाना भी बनाना था, तो यहाँ पे मैंने चावल को मतलब चावल उसमें कुकर में निकाल के रख दिया है, यहाँ पे वॉश कर लिया है। सब्ज़ी भी मैंने छौंक दी है, एक तरफ सब्ज़ी होगा एक तरफ हमारा चावल भी हो जाएगा। तो ये परवर की सब्ज़ी बना रहे हैं, तो प्याज और सारी चीज़ें मैंने एक ही में डाल दी है, लाल होता रहेगा। मसाला मैंने पीस लिया है, तो यहाँ पे मसाला भी मैंने डाल दिया है। तो मैं सोच रही हूँ मैं जितना जल्दी खाली हो सकूँ उतना जल्दी खाली हो जाऊँ। और कल मैंने कपड़ा लाया था ना, तो वो सोनम को और लकी को छोटा हो गया, और कोमल के लिए जो लाया था मैंने वो बड़ा हो गया। तो अब मुझे जाना है फिर बाज़ार, तो इसीलिए मैंने सोचा कि फटाफट पहले खाना बना लेते। और आज मैंने नाश्ता में बनाया है बहुत ही चटपटी चीज़, तो आप लोग भी देखेंगे ना तो आप लोग के भी मुंह में पानी आ जाएगा। तो ज़रूर बनाना आप लोग वो नाश्ता, मतलब झटपट बनने वाला नाश्ता है और एकदम चटपटा नाश्ता है, मतलब एकदम मन फ्रेश करने वाला नाश्ता है, ये समझ लीजिए। तो चलिए फिर फटाफट यहाँ पे सब्ज़ी मैंने छौंक दिया है, नमक को डाल देते हैं, सब्ज़ी को पका लेते हैं, और फिर मैं आप लोग को दिखाऊंगी कि मैंने नाश्ते में क्या बनाया। तो ये वाला नहीं है नाश्ता, आप लोग सोच रहे होंगे क्या मैगी बनाया है इसने, तो जी हाँ मैगी मैंने इस बनाया है। तो यहाँ पे मैं इसमें भी सारी चीज़ें जो हैं एक ही में काट के डाल दिया, मतलब टमाटर और अदरक कद्दूकस किया हुआ, और लहसुन को भी मैंने कद्दूकस कर लिया, मिर्चा कट कर लिया है, और प्याज को भी इस अभी मैंने पानी रख दिया है उबलने के लिए, और सिर्फ मैंने मैगी में ही सारी चीज़ें कट कर ली हैं। तो ये भी हम डाल देंगे, अब हमारा पानी बॉईल हो चुका है अच्छे से। तो सारी मैगी जितनी भी हैं सारे कटे हुए चीज़ इसमें वो सारे इसमें डाल देते हैं। तो कभी आप लोग इस तरीके से ट्राई करना, इसका सूप जो है ना जिसको सर्दी खांसी हुई होगी उसको बहुत ही अच्छा लगेगा खाने में, तो कभी आप लोग भी ट्राई करना। तो मैंने आधे ही टमाटर इसमें डाला है, तो मैं ऐसा है बच्चे लोग के लिए मैंने अलग बनाया था सादा, और ये हम लोग के लिए मिर्चा वाला खूब बना रही हूँ, क्योंकि कल उपवास था ना तो मन थोड़ा वैसा हुआ था, तो मैंने सोचा कि आज मुझे एकदम ऐसा खाना है जो चटपटा हो सारा ही नाश्ता। तो चलिए फिर यहाँ पे उबाल आ गया है, तो चलते हैं अब हम नाश्ता बना के नाश्ता कर लेते हैं, और इसे स्लो कर देते हैं, धीमी आँच पे पकते रहेगा ये। तो यहाँ पर मैं स्वाद अनुसार नमक डाल देती हूँ, तो नमक हम कम ही डालेंगे क्योंकि नमक मैगी में ऑलरेडी रहता ही है, तो इसे भी अच्छे से हम चला लेंगे। चलिए फ्रेंड्स, नाश्ता हमारा बनके रेडी हो गया, मैगी का भी सूप, तो इसे हम खा लेते हैं। तो मैंने और क्या नाश्ता बनाया वो भी मैं आप लोग से शेयर कर देती हूँ, तो आइए आप लोग भी खा लीजिए मैगी। तो यहाँ पे मैंने चना को बॉईल किया है, तो आज मैं चने से कोई चीज़ बना रही हूँ, तो मैं आप लोग से भी शेयर करूँगी। तो इसे हम पलट लेते हैं,
इसका जो भी थोड़ा बहुत पानी है वो हम निकाल देते हैं अच्छे से। और जब तक इसका पानी निकलेगा मैं और चीज़ें कट कर लेती हूँ इसमें जो जो हमें डालना है। तो यहाँ पे आप लोग देख, तो इसे मैंने रख दिया है साइड में ठंडा होने के लिए। तो जो जो चीज़ इसमें कट करना है वो चीज़ें सारी कट कर लेते, तो इसे रख देते हैं साइड में। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अच्छे से इसका पानी निकल गया है चने का। तो इस पर हम डाल देते हैं सारी चीज़ें। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें कट कर ली है। यहाँ पे मैंने लिया प्याज, मिर्चा और नींबू, और फिर यहाँ पे मैंने टमाटर काटा है। तो सारी चीज़ें मैंने कट कर ली, तो इसी पे हम डाल देते हैं। तो जी हाँ, ये सबसे अच्छा नाश्ता है, एकदम चटपटा नाश्ता। और जिसका भी मन फीका होगा वो देख के ही मतलब अच्छा लगने लगता है। तो यहाँ पे हरा मिर्चा डाल दिया है, नींबू डाल देते हैं, और फिर यहाँ पे मैंने काला नमक और ज़ीरा भी लिया था, और यहाँ पे चाट मसाला भी लिया है। यहाँ पे है चाट मसाला, तो ये भी डाल देते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो काला नमक आप ज़ीरा भुज के डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने काला नमक भी लिया है और ज़ीरा भी लिया है, तो इसे भी चाट मसाला पहले डाल के फिर नमक को हम डाल देंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कितना टेस्टी लग रहा है खाने में ना। तो कभी आप लोग भी ट्राई करना, बहुत झटपट बनने वाली रेसिपी है और एकदम मतलब मन को भाने वाला रेसिपी है ये। तो मैंने आज, मुझे मतलब कई दिन से बहुत मन कर रहा था खाने का, तो यहाँ पे मैंने ज़ीरा और नमक लिया है काला वाला। तो ज़ीरे को मैंने भून लिया था अच्छे से, तो ये भी डाल देते हैं। और देखने में कितना अच्छा लग रहा है रंग बिरंगा। तो सारी चीज़ों को हम मिला देते हैं, और मैंने एक ही चम्मच मतलब बच्चे लोग को भी दिया था कि बहुत तीखा मैंने बनाया है। कल से ही मेरे को बहुत मन कर रहा था खाने का, तो मैंने सोचा कि अब सावन बीत जाने, मतलब एक ही सोमवार था, कल का लास्ट था, तो मैंने सोचा अब दूसरे दिन बना के खाएंगे। तो इसलिए आज मतलब व्रत खोल दिए हैं, तो मैंने सोचा आज हम यही खाएँगे चटपटा हुआ चीज़। तो चलिए देखिए आप लोग, कितना अच्छा लग रहा है देखने में भी और खाने में भी उतना ही अच्छा लग रहा था। कभी आप लोग भी ट्राई करना, टेस्ट में इतना अच्छा है ये, ऐसा लगता है जैसे मुंबई में चाट मिलता ना, वो है एकदम जो चाट चना मसाला आता है ना। हम मुंबई में थे तो बहुत खाते थे ये, लेकिन यहाँ पे आने के बाद मतलब सारी चीज़ें छूट गई। लेकिन जिस दिन मैं उपवास थी, फास्ट थी, उस दिन मेरा बहुत दिल कर रहा था खाने का, तो इसलिए मैंने नेक्स्ट डे इसको भिगा दिया और आज बना ही लिया। तो आप लोग भी ऐसे करना, आप लोग भी टाइम मत वेस्ट करना, चना भिगा के उबाल लेना और इसे बना लेना एकदम चटपटा सा नाश्ता। तो चलिए फ्रेंड्स, हम खा लेते हैं क्योंकि अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो मैं चल रही हूँ खाने। तो आइए आप लोग भी खा लीजिए और बताइए कैसा बना है हमारा नाश्ता। फटे ही कपड़े लेंगे। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं फिर से मार्केट, क्योंकि जो कपड़े मैंने लाए थे वो छोटे पड़ गए हैं बच्चे लोग को, तो बच्चे बड़े हो गए हैं, छोटे पड़ गए। तो चलिए फिर मैं आप लोग को भी लेके चलती हूँ मार्केट। कल तो मैंने दिखाया था वैसे, तो अभी भी मैं दिखा देती हूँ, तो आप लोग को चलना है तो चलिए मेरे साथ, चलना है ना, तो चलिए फिर दिखा देते हैं हमारे यहाँ की मार्केट और इतनी टाइम कितनी भीड़ होती है वहाँ पर, और धूप भी बहुत तेज की है। और खाना वाना हमने खा लिया है थोड़ा सा, हमने सोचा आराम कर लिया, लेकिन कोमल ने कहा नहीं मम्मी चलो पास से जाते, कोमल को लेके चल रही हूँ। तो यहाँ पे हम जा रहे थे बाज़ार, तो रास्ते में आप लोग देख सकते हैं आज है ताजिया का त्यौहार, तो यहाँ पे सब लोग मतलब ताजिया ले जा रहे थे। और यहाँ पे मतलब एक ये लोग में खेल भी होता है, मुझे नहीं पता इस चीज़ के बारे में। तो यहाँ पे सब जो बड़े बड़े, तो यहाँ पे एकदम रोड मतलब जाम हो गया था, गाड़ी को कुछ दूर पे रुका के फिर पैदल जाना था हम लोग को, तो गाड़ी हमने मतलब दूर पे रुका दिया है और पैदल फिर जा रहे हैं। तो चलिए फिर दुकान पे हम यहाँ पे आ गए हैं, तो यहीं पे मैंने देख लिया था ना, जो भी जा रही थी तो उसने भी मुझे देख लिया दुकान पे मतलब कपड़े लेते हुए। थोड़ा सा घर में अंदर जाए,
आगे दुकान में यहाँ पे चल रही है रक्षाबंधन की तैयारी। यहाँ पे बन रहा है मीठा लड्डू, हमारा बन चुका है और यहाँ पे बन रहा है अभी मीठे की तैयारी हो रही है। चलिए फ्रेंड, चादर भिगा देते हैं। और यहाँ पे मैंने पानी को गर्म किया है, तो यहाँ पे मैंने पानी एक बाल्टी मतलब गर्म कर लिया है, तो इसी में मैं भिगाऊंगी ताकि अच्छे से जो है
पानी को मैंने गर्म कर दिया है, पानी गर्म हो गया है तो इसी में मैं गर्म पानी में ही चादर और टॉवल जो होते हैं सारी चीज़ धोऊंगी, ताकि गर्म पानी में धोने से बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है और साफ़ हो जाता है। तो एक बाल्टी मैंने एकदम गर्म किया है पानी को और उसमें सर्फ मैंने डाल दिया है। तो चलिए इसे भिगा देते हैं सुबह तक के लिए और फिर इस ब्लॉग को यहीं पेंट करेंगे। फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, तो लाइक ज़रूर करना। और सब्जी को मैंने छोंक दिया है, वो होते रहेगा धीरे धीरे। यहाँ पे ये सारी भी चीज़ें कर लेंगे। और अभी मैंने बिस्तरा जो मैं कपड़े धोई थी सुबह में, वो भी सोनम ने उतार के लाया, अभी वो भी मैंने घड़ी नहीं किया है।